हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आप और आपके परिवारजनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। पिछले एक माह से अधिक हो गया कि हमारे स्कूल, बाजार, रेल, बस सब बंद है। आप जानते हैं ना क्यों? हाँ, कोरोना के कारण। कोरोना एक वायरस है। यह एक संक्रामक रोग है जो छूने और हवा से फैलता है। यह एक सूक्ष्म जीव है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। यह वायरस हमारी नाक और मुंह से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और कुछ ही दिनों में यह हमारी सांसें रोकने में सक्षम है। हम कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं। पूरे विश्व में इसने अपने पांव पसार लिए हैं। अब तक इसकी वजह से 2 लाख के लगभग लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। हमें संयम से काम लेना है और इस पर जीत हासिल करनी है। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि इस पर विजय पा सकें। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सबसे पहले तो हम लॉकडाउन का पालन करेंगे। घर में ही रहेंगे, रोड पर नहीं निकलेंगे। यदि बहुत जरूरी है, बाहर जाते समय हम मास्क का प्रयोग करेंगे। बाजार का मास्क लें, घर में बनाएं, कोई रुमाल, कोई दुपट्टा या कोई अपना सूती कपड़ा चेहरे पर लपेट कर ही घर से बाहर निकलेंगे। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सामाजिक दूरी, यदि किसी से बात करनी पड़े तो 2 व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, बात बात में अपना चेहरा, आंख, नाक, मकान, मुंह ना छुएं, इससे संक्रमण का बहुत खतरा है। दिन भर में कई बार साबुन से अपने हाथों को लगभग 20 से 25 सेकंड तक अच्छे से धोएं। चाहे हो कोई वीडियो है, कोई मैसेज है, उस पे आंख मुंह पर विश्वास ना करें। टेलीविजन चैनल या किसी अखबार से उस खबर की पुष्टि कर लें। स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान रखना है। अपनी स्वच्छता, अपने घर परिवार की और अपने आस पड़ोस को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। भीड़ वाले जगह पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि भीड़ में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है, इसलिए वहां जाने से बचें। सभी अभिभावक से मेरा अनुरोध है कि अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। कोरोना के बारे में आपको बहुत जानकारी उससे मिल जाएगी। साथ ही हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उस पे कोरोना अटैक नहीं करता। इसके लिए हमें स्कूल में योग और प्राणायाम आपको सिखाए हैं। वह प्रतिदिन अपने घर पर उसका अभ्यास करेंगे। यदि आपको कभी खांसी, जुकाम या बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास चले जाएं और अपना इलाज कराएं। यही सावधानियां हमारी जान बचाएंगी। खुद भी सचेत रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। हर व्यक्ति इस जंग में एक सिपाही की भांति है। हमें कोरोना से डर कर नहीं बल्कि डट कर मुकाबला करना है। हमें एकजुट होना है। निश्चय ही हम यह जंग जीत लेंगे। जय हिंद।